हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन UIIC, NICL और NIACL के एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस इस सेक्शन में से टॉप 30 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट का सेशन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है गाइस। रिसेंटली असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हो चुका, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में हमारे पास वो जो क्वेश्चन थे अबाउ 35 प्लस क्वेश्चन काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट करके आ चुके हैं एक्यूरेटली, ठीक है। इसी तरीके से AO के एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपकी AO की एग्जामिनेशन है 13 को, तो आपको अच्छी तरीके से सेशन को जाके देखना होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल कोचिफाई को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सको। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, बैंकिंग अवेयरनेस हो, चाहे बाकी सेशंस हो, आपको हम लोग प्रोवाइड करते रहते। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, अगर आपने ये हमारा जो इंपॉर्टेंट सेशन हमने रिसेंटली जो अपलोड करके रखे थे टॉप 50 क्वेश्चंस का प्लस ये टॉप 20 क्वेश्चंस का, ये सारे डिस्टिंक्ट अलग अलग क्वेश्चंस है गाइस, ठीक है। देन हमारे पास टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 30 प्लस क्वेश्चन, यह भी हमने 5 सेशन ऑलमोस्ट डाल के रखे हैं, ठीक है। इसको अगर आपने नहीं देखा हो तो इसको जाके जरूर वॉच कीजिएगा। एक प्ले लिस्ट में अगर आपको चाहते हो तो आप बना दूंगा, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आपको वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी, वीडियोज़ के माध्यम से भी आप जाके चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर, ओके। और उसी के साथ अगर आपको 6 फरवरी 2024 को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है, उसको अगर आपको एनालिसिस करना होगा, तो हमने एक लाइव लिया था जस्ट आफ्टर योर एग्जामिनेशन, तो जरूर इसको जाके वॉच कीजिएगा, और आप खुद देख सकते हो जितना हमने पढ़ा है उतना ही आपको एग्जामिनेशन में एज इट इज देखने को मिला। आप देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, वो एग्जामिनेशन थी UIIC असिस्टेंट का, लेकिन अगर आप AO की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो डेडिकेटली, तो थोड़ा आपको लेवल अप करना होगा, इसीलिए हमने इस सेशन को आपके सामने प्रेजेंट किया। और टाइम टू टाइम इस सेशन को अगर आप लाइव करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो इसी तरीके से हम लोग कंटेंट आपके लिए टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे, तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके से कंटेंट टाइमली क्रिएट करने का, ठीक है। अगर आपने रिसेंटली अपलोडेड जनवरी का करंट अफेयर्स नहीं देखा होगा, मंथली करंट अफेयर्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चन UIIC असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे, ठीक है, तो ये जरूर जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसका ई बुक चाहिए होगा प्रिंटेबल रिविजन के लिए, तो हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करते हो। जिनके पास आईफोन या फिर आईपैड है, उनके लिए मैं आपको फोन नंबर देता हूँ 7741063663। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्सेज हो, अदर कोर्सेज हो, या फिर iOS की लिंक हो, आपको मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो डेफिनेटली इसको वॉच कीजिएगा। सेशन अवेलेबल है गाइस YouTube पे, अभी 2023 के पूरे सेशन अवेलेबल है हमारे पास में करंट अफेयर्स के, ठीक है। आप यहाँ पे दिसंबर देख पा रहे होंगे, ऐसे नवंबर से लेके प्रीवियस भी हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी एक बार जाके वॉच कीजिएगा। एंड रिसेंटली हमने आज ही के दिन, ठीक है, एक दिन पहले हमने ये यूनियन बजट का जो सेशन है आपके लिए प्रिपेयर किया है, और इसके अंदर मेजर हाइलाइट्स हमने इंक्लूड किए ही किए, लेकिन टॉप 25 क्वेश्चन डिटेल हाइलाइट्स और थ्योरी के साथ इसमें एक्सप्लेन किया है। जरूर आपको एग्जामिनेशन में आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली अपलोडेड सेशन है, वीडियोज़ के सेक्शन में जाके उसको चेक कीजिएगा, या फिर आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर ये सेशन को मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स और क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास बैंकिंग अवेयरनेस के जो स्टैटिक अवेयरनेस के सेशन है, ये भी आपको जाके वॉच करने होंगे, जहां से आपको और मल्टीपल क्वेश्चंस की तैयारी होती जाएंगे, ओके। सो फिलहाल अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते गाइस, और देखते भी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने हमारे नंबर सीरीज के साथ शुरुआत की है, देखिएगा क्या कह रहा है हमारे पास में, फाइंड एक्स, ठीक है। यहां पे एक नंबर दिया गया 356 टू द बेस 8, ठीक है, और यहाँ पे है x टू द बेस 16। अगर आपको बेसिस और उसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में जानना होगा, तो हमारे पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाके उसको वॉच कीजिएगा, मैं आपको इसको सॉल्यूशन करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी अगर हमारे पास में बेस 8 है, तो हमारे कौन सी नंबर सिस्टम होती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। यहाँ पे इसका बेस 16 है, तो ये कौन सी नंबर सिस्टम होगी गाइस, ये होती है हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। जिसका बेस 2 रहता है वो हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम रहती है, जिसका बेस 10 रहता है हमारे पास में डेसिमल नंबर सिस्टम रहती है, क्लियर है यहाँ तक। अभी हमें क्या पूछा गया, ऑक्टल टू हेक्सा, ऑक्टल टू हेक्सा में पूछा गया, तो हम लोग काफ़ी आसानी से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सके। अभी नंबर क्या बताया गया हमारे पास 356, इसको अगर हमें ऑक्टल टू बाइनरी करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 3 का जो हमारे पास में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगा वो आएगा हमारे पास 011, ठीक है। 5 का कितना आएगा 101। अगर आपको इसमें भी दिक्कत होगी तो मैं सेशन रिकमेंड करूँगा, वो उसको अलग से 20-25 मिनट देना होगा आपको, और उसको ये किस तरीके से मैंने क्विकली कन्वर्ट किया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 6 को हम लोग क्या लिखते हैं 110, क्लियर है। तो अब हम लोग इसको ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, 011 101 110, ओके, टू द बेस हमारे पास आ जाएगा 2,
ओके तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ग्रुपिंग करते तो यहाँ से हम लोग एक हो जाएगा और ये हमारे पास दूसरा ग्रुप। ओके तो ये जो 1110 है, ठीक है 1110, ओके तो ये जो बाइनरी टू हमारे पास हेक्सा में कन्वर्ट करते तो ये होता है हमारे पास लेटर ई के लिए। ठीक है न्यूमेरिक में इसका वैल्यू 15 होता है लेकिन हम लोग हेक्सा डेसिमल में इसका अल्फाबेट जो है ई लेटर से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ये भी हमारे पास 1110 है तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा ई। ठीक है तो अगर हम लोग डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है ई टू द बेस 16, मतलब क्या है हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ओके ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अभी देखिए इसको आपको सॉल्व करने के लिए मैंने काफ़ी क्विक वे में सॉल्व कर दिया, आपको अलग अलग वे से भी इसको सॉल्व कर सकते हो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत जा रही होंगी तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एओ के एग्जामिनेशन में जरूर बनने वाला है। ठीक है तो इसके लिए आपको जो सेशन है नंबर सिस्टम का कोई भी बेस टू कोई भी बेस अगर आपको कन्वर्ट करना रहा, मतलब कि डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल या फिर बाइनरी टू ऑक्टल वगैरह कोई भी रहा तो इस सेशन को जाके देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है इस सेशन में काफ़ी पहले अपलोड करके रखा था, जिन भी नए स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा तो जरूर जाके वॉच कीजिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट आपको सीखने को मिलेगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी काम के लिए गए। ठीक है काम का है इसलिए आपको मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। ठीक है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, अ टाइनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन। ठीक है एक छोटा सा जो बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम है वो कहां पे सिचुएटेड रहता है, कहां पे इंस्टॉल रहता है, कहां पे प्रेजेंट रहता है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है रोम जो रहता है हमारे पास रोम, इसको हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, क्या कहते हैं हम लोग इसको रीड ओनली मेमोरी। ये कौन सी मेमोरी गाइस, ये हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी है कि नॉन वोलाटाइल है, ये हमारी नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या, अगर हमने सिस्टम को भी ऑफ कर दिया तो हमारा डेटा एज इट इज रहता है। ठीक है अब देखिए जिस तरीके से हम लोग डिवाइस को सिस्टम को ऑन करते हो, ठीक है जिस तरीके से हम लोग हमारे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है तो होता क्या इनिशियल जब हम लोग उसको ऑन कर देते, ठीक है इनिशियल जैसे हम लोग इसको ऑन करते हैं तो सीपीयू जो है हमारा जो इंस्टेंटली इसको डिवाइस को शुरू करने के लिए लग जाता है। ठीक है तो जो बूटस्ट्रैप लोडर है वो रीड करता है बूट सेक्टर को हमारे हार्ड ड्राइव के, ठीक है सो दैट हमारा जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करके, बेसिक इंस्टॉल करके, बेसिक जो शुरुआती इंस्टॉल रहता है उसको शुरुआत करने में इसको मदद कर सके। ठीक है जब भी हमारा कंप्यूटर हमारा शुरू होता है या फिर रिस्टार्ट होता है तो बूटस्ट्रैप लोडर इनिशियली करता है हमारा पोस्ट टेस्ट। ठीक है पोस्ट टेस्ट इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है पोस्ट टेस्ट नहीं इसका हम लोग कहते हैं पोस्ट। ठीक है पोस्ट क्या होती है, ठीक है इसका भी आपको फुल फॉर्म आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म बेसिस आए थे इसलिए आपको ये भी बताना चाहता हूँ व्हाट इज पोस्ट। ठीक है इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा पोस्ट, ठीक है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है बाकी जो कनेक्टेड पेरिफेरल्स है उसको चेक करके, ठीक है अगर पोस्ट जो है सक्सेसफुल रहा, ये टेस्ट जो होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अगर सक्सेसफुल रहती है, ठीक है तो जो कोई उसमें अगर कोई एरर नहीं रहता तो बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है ये क्या करता है मशीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम मेमोरी में डालता है। ठीक है मशीन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेमोरी में डालता है और उसके बाद जो है हमारा कंप्यूटर जो है लोड कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। ठीक है लेकिन ये टाइनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, ये रहता है गाइस रोम के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, हार्ड डिस्क इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन किया, एक छोटा सा टास्क देता हूं गाइस, पायस का फुल फॉर्म क्या है क्वेश्चन मार्क है, आपको इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। सभी ने वो जिसने भी एस्पिरेंट ने जितने भी एस्पिरेंट ने कमेंट किया तो उसका जो फुल फॉर्म होता है कमेंट भी पढ़ते रहा कीजिएगा, तो कोई भी अगर एस्पिरेंट होगा तो बायोस का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आजकल पूछ जा रहे हैं। क्लियर हो चुका क्या है बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, रोम के अंदर। रोम कौन सी मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब कि क्या, अगर आपने सिस्टम को ऑफ किया तो डेटा उसके अंदर एज इट इज रह जाता है। मैंने आपको कहा था वोलाटाइल मतलब उड़ जाने वाला, बस इतना ध्यान में रखिएगा। ओके क्लियर है बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ ऑडियो फाइल। मैंने आपको काफी बार समझाया गाइस व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन। ठीक है अगर आपने लिखा, ठीक है कोई भी इमेज है जैसे बाइक डॉट पी एन जी। ठीक है अब देखिए बाइक डॉट पी एन जी ये कौन सी फाइल है, हम लोग कैसे पहचानते हैं, ये जो इसके नीचे का डॉट के बाद हमारे पास में जो तीन लेटर्स लिखे या फिर जो हमारे पास एक्सटेंशन लिखे इसको हम लोग कहते हैं फाइल एक्सटेंशन टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो ये इससे हम लोग पहचानते हैं कि ये हमारा जो पी एन जी है तो इसका मतलब कि क्या ये इमेज फाइल है। ठीक है ये इमेज फाइल है, इसी को हम लोग कहते हैं इमेज। ठीक है डॉट
exe है तो इसका मतलब क्या, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है ये, ठीक है। डॉट एम पी थ्री है, इसका मतलब क्या कि एक ऑडियो फाइल है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। डॉट पी पी टी है, इसका मतलब क्या कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। डॉट डी ओ सी है, इसका मतलब क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास वर्ड फाइल है, ठीक है। डॉट टी एक्स टी है, मतलब हमारे पास में वर्ड टेक्स्ट फाइल है, वो क्लियर है। तो अभी हमारे पास में क्या बोला कि इसमें से कौन सा एक ऑडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो डॉट एम पी थ्री तो हो गया, ये तो है, ठीक है। डॉट आर ए आर, डॉट वेव, डॉट मिड, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना होगा डॉट आर ए आर, ये हमारे पास में ये जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो फाइल कॉम्प्रेशन होता है, ठीक है, जो विनजिप के लिए होता है, ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। फाइल कॉम्प्रेशन की जो फाइल्स रहती है वो डॉट रार में रहती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में जो ऑडियो फॉर्मेट्स रहते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरीके के रहते हैं। जैसे लॉसलेस कंप्रेस्ड फॉर्मेट में आता है फ्लैक, एफ एल ए सी, थोड़ा सा ए ओ के लिए थोड़ा एडिशनल पढ़ के जाता हूँ, बता देता हूँ, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। फ्लैग का फुल फॉर्म होता है फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडैक, देन आता है हमारे पास में ए एल एक, ठीक है, ए एल एस सी, ठीक है, वो आता है हमारे पास में एप्पल लॉसलेस म्यूजिक कोडैक। मिड आता है, ठीक है, मिड क्या होता है हमारे पास में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, मिडी, या फिर हम लोग मिड बेसिकली इसको मिडी कहते हैं, ठीक है, डब्ल्यू एम ए, ठीक है, ये भी हमारा ऑडियो फाइल होता है। विंडोज़ मीडिया ऑडियो, विंडोज़ मीडिया ऑडियो उसका फुल फॉर्म होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद में एम पी थ्री आते हैं, ठीक है, एम पी थ्री आता है, डबल ए सी आता है, ठीक है। एम पी थ्री का फुल फॉर्म कहते हैं एम पेग वन ऑडियो लेयर थ्री, डबल ए सी का फुल फॉर्म कहते हैं एडवांस ऑडियो कोडिंग, ठीक है, डब्ल्यू एम ए हो गया, ठीक है, डब्ल्यू ए वी भी आता है, डब्ल्यू ए वी, ये क्या होता है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ए आई एफ एफ, ठीक है, ए आई एफ एफ, ये ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ये भी होता है, ठीक है। देना था हमारे पास पी सी एम, ये सारे ऑडियो कोडेक खेड़ेगे, ठीक है। ये जो हमारे पास में जो फॉर्मेट्स हैं अलग अलग, ये आपको पता होना चाहिए, एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये सारे ऑडियो फॉर्मेट रहेगा, ये इसको आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो चुका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डॉट रार जो है ये हमारा कोई भी फाइल एक्सटेंशन नहीं है ऑडियो फाइल का, क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज मोस्ट सुटेबल टू रीअरेंज स्लाइड्स इन एम एस पावर पॉइंट। अगर हमें स्लाइड्स है बहुत सारी, जैसे हमारे पास में 100+ स्लाइड्स रहती है काफ़ी कबार कुछ कुछ सेशंस के अंदर, तो उसको रीअरेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक यहाँ पे क्लिक करके दूसरी जगह हम लोग लेके जाते हैं, कि नहीं हमारे पास में क्या डायरेक्टली स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे हमारे पास में सारे थंबनेल फॉर्मेट में आ जाते हैं, ठीक है, स्लाइड्स, ठीक है, छोटे छोटे थंबनेल फॉर्मेट में, जिस तरीके से आप यूट्यूब पे देखते हो ना, ठीक है, उसी तरीके से, और उसको हम लोग डायरेक्टली जंप अप करके इधर से उधर लेके जा सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं क्लियरली और इजीली। तो ये कौन से फंक्शन के द्वारा की जा सकती है, ये स्लाइड सॉर्टर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टास्क और है, ये स्लाइड सॉर्टर जो है हमारे पास में कौन से ग्रुप में और कौन से टैब में रहता है हमारे पावर पॉइंट के अंदर, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। डू पार्टिसिपेट गाइस, पार्टिसिपेट किया कीजिएगा जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस कवर कराता हूँ, ठीक है। इसी के लिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चाहे जितने भी बार ये क्वेश्चन कवर कर लो, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके अलग हो सकते हैं इस प्रिंटर्स को लेते हुए। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि सबसे पहला हमें लाइन प्रिंटर कौन सा है इसमें से और पेज प्रिंटर कौन सा, ये हमें बताना होगा उसी सिक्वेंस में, ठीक है। अगर हम लोग लाइन प्रिंटर की बात करते हैं तो वो आते हैं हमारे पास ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर दोनों भी ऑप्शन में, ठीक है, तो हमारे पास और भी देखना पड़ेगा पेज प्रिंटर क्या है। तो पेज प्रिंटर में आते हैं हमारे पास लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर होता है हमारा ये पेज प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर हो गया ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर हो गया हमारा पेज प्रिंटर, तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए गाइस, लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर आते हैं, चेन प्रिंटर आते हैं और बैंड प्रिंटर आते हैं, ओके क्लियर है। लेकिन और यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं और डेजी वेल प्रिंटर्स में आता है, ठीक है। अगर आपको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहा तो नॉन थर्मल आता है, लेजर आता है और इंकजेट प्रिंटर आता है। तो ये आपको नॉन इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट के ऊपर तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा एक लाइन है पेज प्रिंटर है करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, ठीक है, इसलिए हमने उसको कवर कराया, किसी हमने 2021 में वगैरह क्वेश्चन कवर कराया था, इंपॉर्टेंट है फिर भी इस साल के लिए भी आपको, ठीक है, क्लियर है। पढ़ते बीमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Dash is a malicious software that alters the regular functionality of an OS, takes full control of the targeted system and acts as the system administrator on the victim's system. क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस,
इसमें से पांच ऑप्शन में, चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो रेगुलर फंक्शनलिटी रहती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसका मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, हमारे टारगेटेड सिस्टम का फुल्ली कंट्रोल ले लेता है उसके पास, वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर करके वो वर्क करता है विक्टिम सिस्टम के ऊपर, ठीक है। विक्टिम मतलब क्या है, जिसका ओएस के ऊपर ये हमारा हैम्पर हुआ है या फिर हम लोग कहें कि ये अटैक हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रूट किट का, इस ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रूट किट क्या है, एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो मॉडिफाई करता है, ठीक है, जो हमारे रेगुलर ऑपरेशन रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्यूटर की, और वो अल्टरेशन करता है, ठीक है, सो दैट वो एक्सेस ले सके, या फिर हम लोग कहेंगे कि जो हैकर जो है वो विक्टिम के कंप्यूटर को उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे एक कीवर्ड आपको ध्यान में रखना रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास में ट्रोजन हॉर्स, मॉलवेयर, ठीक है, स्पाइवर, इनके सारे काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखेगा, ये एज अ एक्ट करता है एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और वो कंट्रोल ले लेते हैं हमारे टारगेट सिस्टम का, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास रूट किट, ठीक है। कुछ कुछ कीवर्ड्स आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए फायदेमंद रहेंगे। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए, इस क्वेश्चन काफी सिंपल है, देखिएगा। कमांड टू ओपन स्निपिंग टूल मेनू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ओनली सेक्शन ऑफ योर स्क्रीन, ओनली सेक्शन ऑफ योर स्क्रीन मतलब क्या, अगर मुझे यहां से यहां तक इतना ही स्क्रीनशॉट लेना होगा, मैंने क्वेश्चन कवर भी कराया गया, ठीक है। कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे आप, तो उसमें से विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है, इस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करके पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्क्रीन का ही जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके पास पर्टिकुलर स्क्रीन नहीं है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे गाइस, प्रिंट स्क्रीन का आप इस्तेमाल करोगे। तो पूरा का पूरा जो आपका, जैसे आप फोन में स्क्रीनशॉट लेते हो ना, उसी तरीके से पूरे आपका जो पेज होता है, ठीक है, जो डिस्प्ले पेज होता है उसका स्क्रीनशॉट निकल के आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिफॉल्ट चार्ट टाइप फॉर MS Excel, ठीक है, MS Excel के लिए जो डिफॉल्ट चार्ट टाइप है वो कौन सा है, ठीक है, वो है हमारे पास में कॉलम चार्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसी के साथ आपको कुछ दो एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको टोटल नंबर ऑफ चार्ट प्रेजेंट इन MS Excel पूछा तो वो हमारे पास में 11 चार्ट्स रहते हैं, ठीक है, 11 चार्ट्स रहते। एक तो ये क्वेश्चन हो चुका, एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास में डिफॉल्ट चार्ट टाइप कौन सा है MS Excel का, तो हमारे पास में कॉलम चार्ट, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, एक ऐसा भी अगर आपको थोड़ा सा पेपर अप लेवल गया तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ट टाइप प्रेजेंट इन MS Excel, ऐसा भी बन सकता है, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डोनट चार्ट, बबल चार्ट और रडार चार्ट। तो ये ऐसे मिला के टोटल हमारे पास में 11 चार्ट्स अवेलेबल है MS Excel के अंदर। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको अगर नाम याद रहते ये तो आप उसको से एलिमिनेट कर सकते हो। हालांकि बेसिक एक दो बार पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। ट्राई करता हूँ मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्या करें, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन MS Excel, नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए MS Excel में कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे, तो शिफ्ट प्लस F11 ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अब मैं आपको थोड़ा सा AO लेवल के लिए पढ़ा रहा होगा, ठीक है, असिस्टेंट का काफ़ी ईजी हो चुका, उसको लेके अगर आप डिफाइन करोगे तो हमारा उतना ईजी आएगा कि नहीं, थोड़ा सा आपको कुछ ना एक छोटे लेवल आपका अप रहेगा एग्जामिनेशन में, हो सकता है सेम क्वेश्चन आपको बने, लेकिन AO की एग्जामिनेशन है तो आपको थोड़ा सा डिटेल में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको मैंने कुछ शॉर्टकट की देख रखे गए, ठीक है, जैसे कि F10 का बटन प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो उसके कारण हमारे राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म होता है। F11 मतलब क्या, शिफ्ट प्लस F11 ये नई वर्कशीट इंसर्ट करता है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F12 डिस्प्ले एज अ सेव एज डायलॉग बॉक्स इफ अ न्यू वर्कबुक, ठीक है। शिफ्ट प्लस एंटर क्या करता है, शिफ्ट प्लस टैब, इसमें से आपको मैं बताता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन जो है करंट टाइम ऐड करता है, ये भी आपको शॉर्टकट की पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट की क्यों, क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा फाउंड इन अ स्प्रेडशीट, कौन से डेटा होते हैं हमारे स्प्रेडशीट के अंदर, कौन से टाइप के डेटा होते हैं ये मुझे बताइए। सबसे पहला रहता है हमारे पास में नंबर्स, ठीक है, तीसरा रहता है फॉर्मूलाज, तीसरा रहता है हमारे पास में लेबल्स का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेबल्स मतलब क्या है, टेक्स्ट विथ अ नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, टेक्स्ट विथ नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है,
टेक्स्ट विद अ नो न्यूमेरिकल वैल्यू। कॉन्स्टेंट मतलब क्या है, सिर्फ हमारा नंबर रहता है, ठीक है। और फॉर्मूलाज मतलब क्या है, हमारा एक मैथमेटिकल इक्वेशन रहता है जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है गाइस, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप कोई भी कंप्यूटर अवेयरनेस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इतने सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग हो चाहे इंश्योरेंस हो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, इन सबका जो ब्रीफिंग हो गया, ठीक है, ये सारे सेशन का, ये सारे जो टॉपिक्स आपको ब्रीफिंग हमने सिर्फ एक ही कोर्स के अंदर आपको मैंने प्रेजेंट कर करके, जो कि हमारा कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स वन ऑफ द वेरी वेल डिजाइन और हम लोग कहेंगे काफ़ी प्रूवन कोर्स रह चुका है रिसेंट एग्जामिनेशन में। 35 प्लस क्वेश्चन तो हमारे रेगुलर सेशन से एस्पिरेंट ने देख लिया, तो आप सोच जाएगा इसको अगर आप कवर अप करते हो तो एटलीस्ट 40 on 40 जितने भी आउट ऑफ क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करने की आप इसमें से कोशिश कर सकते हो और डेफिनेटली आप इसमें से ले भी सकते हो। तो इसको आप जरूर एनरोल कीजिएगा, एग्जामिनेशन के पहले आखिरी दिनों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने बनाया है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको टॉपिक एलिमिनेट करके मिलेंगे, सारे टॉपिक्स एक एक्सप्रेस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे और वो भी सिर्फ 50% डिस्काउंट के ऊपर 249 rupees में पूरे साल भर के लिए। एक बार आप इसमें एनरोल कर सकते हो तो 2024 की सारी एग्जामिनेशन के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये जो कूपन कोड है गाइस 50% अभी तक है, कुछ दिनों के बाद ये 60% 40% हो सकता है। तो इसके लिए जो कूपन कोड है स्पीड 60 इसका इस्तेमाल करके 50% का आप कूपन का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कीजिए गाइस, मैंने आपको बताया हमारे कोचिफाई का एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको iOS की लिंक चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम से या फिर कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर हो चुका, तो इसको जरूर डाउनलोड करके एनरोल कीजिएगा। सारे टॉपिक जो आपको मैंने बताया ऊपर के आपके एक ही इसमें कवर अप होते जाएंगे और अश्योरिटी के साथ आप एटलीस्ट 90% प्लस क्वेश्चन को एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। इस कोर्सेज को देखने के बाद प्रूवन कोर्सेज है, जरूर इसमें आप रिस्क मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएगा अच्छी तरीके से। साथ साथ 2024 के लिए अगर आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग और इंग्लिश तीनों की अगर आप कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सुपर बैंकिंग कोर्स हमारे पास प्रेजेंट है गाइस, ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए काम में आएगा। और इसके लिए भी कूपन कोड हमने प्रेजेंट करके रखा है बैंक 60% कूपन के साथ में साल भर की वैलिडिटी के साथ आपके तीनों भी सेक्शन जो आपको एक ही इसमें कवर अप होता जाएंगे, वो भी मात्र 599 rupees में साल भर के लिए, ठीक है। इसके लिए भी आपको ऐप पे ही एक्सेस करना होगा, ओके। सो अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज प्रेजेंट इन अ पावर पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन हो चुका है, हालांकि अब यहां पे व्यूज कौन से प्रेजेंट होते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ये हमें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया। डॉक्यूमेंट व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड चेंजर व्यू, प्ले साइड व्यू या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है ये हमारा व्यू प्रेजेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसीज आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, कौन से पीसी को, ठीक है। यहाँ से जनरेशन से ऊपर एक क्वेश्चन बना था और उसका साल भी पूछा गया था, तो वो भी पढ़ के जाना होगा आपको, ठीक है। तो जो ऐसे पर्सनल कंप्यूटर जिसके अंदर फोर्थ जनरेशन और का जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और उसके अंदर क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन डेटा, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर या फिर ट्रांजिस्टर, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर रहता है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, ये काफ़ी छोटा सा हमारे पास में सीपीयू का माइक्रो प्रोसेसर है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा सेमीकंडक्टर चिप से बना गया, जैसे कि हमारे पास सिलिकॉन वगैरह हो गया, इसे बनाया जाता है। इसमें हमारे पास में थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो है, ठीक है, वो हमारे इंक्लूडेड रहते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे जो पीसीज रहते हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास ऑप्शन डी। इसी से जुड़ा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करा रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूँ पहले, अ डैश इज अ कंपोनेंट ऑफ अ मदरबोर्ड विच एब्सॉर्ब द हीट प्रोड्यूस बाय द प्रोसेसर एंड अदर एंड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड की जो ये रहता है, बेसिकली मदरबोर्ड पे वो लगा रहता है और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है हमारे प्रोसेसर के द्वारा। अब देखिए ये था हमारे पास में प्रोसेसर, अब क्योंकि पूरे के पूरे कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे अगर हम लोग कहेंगे, ठीक है, इस प्रोसेसर के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर हीट भी जनरेट होगा, तो यहाँ पे कैसे मेटल प्लेट रहती है, आप देख सकते हो ये मेटल प्लेट रहती है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे लगा रहता है थर्मल कंपाउंड, थर्मल पेस्ट लगाई देती है और उसके ऊपर जो है ये हीट सिंक को जोड़ा जाता है। ये जो मेटल का दिख रहा है ये फैन नहीं है, ठीक है, ये जो आपको एल्युमिनियम का आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये होता है हमारे पास में हीट सिंक। इसके अंदर फिन्स लगाए रहते हैं, अलग अलग फिन्स, जिसके अंदर ये रेडिएटर जैसा काम करता है। आपने देखा होगा रेडिएटर क्या करता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया के कारण हमारे जो हीट डिसिपेशन है वो बढ़ जाता है। और ये फैन क्या करता है, ये एक्स्ट्रा हीट जो है डिसिपेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हीट एब्जॉर्ब करते, मान लो यहाँ पे प्रोसेसर लगा है, यहाँ पे इसके ऊपर ये हीट सिंक लगाया हुआ है, तो ये जो है ना कूलिंग करने का काम, ठीक है, प्रोसेसर को ठंडा रखने का काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं हीट सिंक का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फैन को हीट सिंक नहीं कहते, यहाँ पे जो मेटल का यहाँ पे जो
रेडिएटर टाइप का लगा रहता है, ठीक है, जिसके अंदर सरफेस एरिया हम लोग बढ़ाते हैं, जिससे हीट एब्जॉर्ब कर लेता है प्रोसेसर की और वो डिसिपेट करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, सराउंडिंग में। तो ये होता है हमारा हीट सिंक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। ये जनरली एल्युमिनियम का बना रहता है, ठीक है। अगर आपको मैं कहूँगा, अगर आपका पीसी भी आपका बंद हो रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका देखिए फॉर अ जनरल रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। देर आर टू कॉजेज फॉर अ स्लो लैपटॉप या फिर स्लो पर्सनल कंप्यूटर। सबसे पहली बात रहती है उसके अंदर डस्ट, ठीक है। जितना आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में डस्ट रहेगा, सबसे जो दुश्मन है, तो आप किसी से भी आप एक बार टेक्निकली जब कोई साउंड होगा तो आप उसको कन्फर्म करके देखिएगा। अगर आपके प्रोसेसर के ऊपर, अगर फैंस के ऊपर डस्ट इन्वॉल्व है, डस्ट ऑक्यूपाइड है, ठीक है, आपका धूल से भरा हुआ है, तो आपका पीसी स्लो होना ही होना। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, अगर हीट डिसिपेट नहीं होती है, ठीक है, तो प्रोसेसर क्या करता है, उसको खुद की जो कैपेसिटी है परफॉर्म करने की, वो कम कर देता है, ठीक है, सो दैट वो बंद ना हो या फिर हमारा ऑपरेशन रुके ना, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि अल्टीमेटली जो डस्ट हीट जो है डिसिपेट ना होने के कारण हमारा जो डस्ट है ब्लॉकेज हो जाता है, डस्ट के कारण ब्लॉकेज हो जाता है और प्रोसेसर हमारा अंडर परफॉर्म करता है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर थर्मल पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है, उसके कारण हीट सिंक को साफ करना और यहाँ पे जो फिन्स है इसके ऊपर चेक करना होगा कि आपको डस्ट है या नहीं। अगर आप ये भी चीज़ें करते हो तो ये होता है। और ये जो है लैपटॉप में भी होता है गाइस, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लैपटॉप में क्या होता है, पर्टिकुलरली हमारे पास में जो फैंस रहते हैं, फिन्स रहते हैं अंदर, उसके अंदर भी डस्ट रहती है, तो उसके कारण भी हमारा कंप्यूटर काफ़ी, लैपटॉप जो है काफ़ी स्लो वर्क करता है। तो ये ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इफ़ यू आर एनकाउंटरिंग एनी ऑफ द सिम्टम्स आउट देयर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। आजकल मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए लैपटॉप लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। क्यों मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इफ़ यू हैव ओल्डर लैपटॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 2016, 17, 15 एज वेल, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा लैपटॉप काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है, तो आपको सिर्फ उसमें क्या करना होगा, एक ही चीज़, हार्ड डिस्क ड्राइव टू SSD में आपको अपग्रेड करना होगा, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव टू SSD में अपग्रेड करना होगा। इसके कारण क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव काफ़ी फास्ट रहती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव, तो आपका पुराना भी जो मशीन है अभी भी, मैं आपको कहूँगा 2 से 3 साल चल सकता है, ठीक है। और SSD का जो कॉस्ट रहता है, अगर हम लोग कहते हैं 128 GB का भी हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके आपके लैपटॉप को आप अच्छी तरीके से और भी कुछ एक्सटेंडेड पीरियड के लिए चला सकते हैं। तो कुछ कुछ बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपको एडिशनल चीज़ें बता दे रहा हूँ, सो दैट आपका कंप्यूटर अवेयरनेस में रुचि बने रहे और इंटरेस्ट भी इसमें से आपको आ सके। क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड लोगो इन द सेम पोजिशन ऑन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली इंसर्ट इट ऑन अ डैश, ठीक है। अभी आपको ये कोचिफाई का ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा है, यही पे अगर हम लोग इसको लोगो कंसिडर करके सेम हमारे स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी था वो, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये हम लोग हर इमेज पे पेस्ट भी कर सकते हैं, एक ऐसा हमारे पास में ऑप्शन है, या फिर हम लोग स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर मतलब क्या होता है, जो डिफॉल्ट हमारे पास फॉर्मेटिंग रहती है, कि मान लो यहाँ पे हमारे पास में डेट आ गई, ठीक है, पेज नंबर आ गया, ठीक है, इस तरीके से, तो ये स्लाइड मास्टर का जो रहता है ग्रुप, ठीक है, मास्टर व्यू जो रहता है उसके ग्रुप के अंदर स्लाइड मास्टर रहता है व्यू टैब के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके माध्यम से हम लोग एक लोगो इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड मास्टर के बारे में, या फिर फंड डिफॉल्ट हमारा फंड स्टाइल जो है वो भी हम लोग उसको सेट करके रख सकते हैं। ये कहाँ पे होता है, स्लाइड मास्टर में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। स्लाइड मास्टर इसका नाम क्यों दिया गया, कि इसके अंदर हम लोग एक मास्टर स्लाइड क्रिएट करते हैं, उसको सेव कर देते, तो इसके बाद आने वाले जो भी हम लोग नए स्लाइड एडअप करेंगे तो वो उसी फॉर्मेट में, उसी कलर में या फिर उसी लोगो के साथ में अपियर होंगी, ठीक है, ये यूज होता है स्लाइड मास्टर के लिए। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। इन अ पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन आर फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर हेडर और फुटर बटन जो है, ठीक है, कौन से टैब के अंदर, ठीक है, यहाँ पे बोला गया फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन विथ व्हाट ग्रुप, ठीक है। हेडर और फुटर बटन जो है वो इंसर्ट टैब में तो होती है पावर पॉइंट के अंदर, लेकिन कौन से ग्रुप में होती है ये पूछा गया, ठीक है। ये होती है हमारे पास टेक्स्ट ग्रुप में हो गई, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने टैब तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे ग्रुप पूछा गया, ठीक है, ग्रुप पूछा गया, तो ये हमारे पास में टेक्स्ट ग्रुप में होता है। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा, ये हमारे पास में इंसर्ट टैब, ठीक है, इस टैब में हमारे पास अलग अलग रिबन्स ओपन हो गया, हमारे ग्रुप्स ओपन हो गए, यहाँ पे देखिए जो हो गया हमारे पास में टेक्स्ट ग्रुप, और यहाँ पे प्रेजेंट है हेडर एंड फुटर। क्लियर हो चुका, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो सकता है एग्जामिनेशन में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आई गेस ऐसा ही कुछ तो भी क्वेश्चन हमारे असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इसमें से कौन सा एंटीवायरस सिस्टम नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, iOS, Kaspersky, AVG, McAfee, Norton, ठीक है, या फिर NPAV भी आ सकता है, NPAV ऐसा भी आपको ऑप्शन आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा,
iOS का एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया, एप्पल के द्वारा, ठीक है। तो एक हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, ठीक है, कैस्पर्स्की, AVG, मैकेफी, नॉर्टन, ठीक है, और NPAV, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, ये हमारे सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से नॉट कौन सा था, iOS, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। ऐसा बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, डॉस, ओरेकल, लिनक्स, विंडोज और एंड्रॉयड, ठीक है। तो इसमें से ओरेकल जो है एक लैंग्वेज है, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडोज और एंड्रॉयड हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। अब आप कहोगे एंड्रॉयड मोबाइल में यूज़ की जाती है, बट ध्यान दीजिएगा इट इज़ ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिस तरीके से आईफोन में, ठीक है, हमारे एप्पल के द्वारा डिज़ाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, वैसे ही हमारे पास में एंड्रॉयड डिवाइसेस में एंड्रॉयड एक हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड गलती से मार्क करके मत आना, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। क्लियर है, पढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको अभी तक सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, इस तरीके से आपके लाइक और शेयर से, एक छोटा सा कमेंट या फिर एक छोटा सा लाइक या फिर सब्सक्राइब भी हमें काफ़ी मोटिवेट करते जाता है, और इसी तरीके से कॉन्टेंट हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेटेड रहते गए हमेशा। तो आपके एंड से सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, एक बेसिक सब्सक्राइब और एक बेसिक लाइक, सो दैट हम लोग इससे काफ़ी अच्छे तरीके से मोटिवेटेड रह के कॉन्टेंट आपके लिए टाइम टू टाइम क्रिएट कर सके, ठीक है। क्लियर है, पढ़ते देखिए, हम देखिए अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। शॉर्टकट की के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी सिंपल था हालांकि रिसेंटली 6 तारीख के एग्जामिनेशन में, लेकिन यहाँ पे अभी क्या पूछा गया है, नई स्लाइड इंसर्ट करनी होगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अंदर, तो कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ होती है हमारे पास Ctrl+M। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन के निकल के आ जाएगा, ठीक है, Ctrl+M शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके जो है न्यू स्लाइड हम लोग पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए, ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑपरेट इन अ बैंडविड्थ ऑफ, तो जो ब्लूटूथ डिवाइसेस है उसके बैंडविड्थ क्या होती है, ठीक है, बैंडविड्थ मतलब होती है फ्रीक्वेंसी रेंज, में आपको बताना चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में जो स्टैंडर्ड हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइसेस है वो ऑपरेट करते हैं। काफ़ी कबार क्या होते हैं, अभी आपके घर में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ड्यूअल बैंड राउटर को रिकमेंड किया जाता है जो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे, ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड पे ऑपरेट करते हैं। ऐसा क्यों, जनरली क्या होता है आपके जो ईयरफोन्स होते हैं, ठीक है, ईयरफोन्स होते हैं, वायरलेस ईयरफोन्स हो गए, ठीक है, वायरलेस डिवाइसेस हो गए वो, और अगर आपके पीसी में भी सेम, अगर आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे एक तो वाईफाई भी रन हो रहा है, ठीक है, और आपको ब्लूटूथ भी यूज़ कर रहे, तो आपने काफ़ी कबार देखा होगा कि अगर आप ब्लूटूथ बंद करते तो वाईफाई अच्छी तरीके से शुरू रहता है, या फिर अगर आप वाईफाई ब्लूटूथ अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो वाईफाई का स्पीड कम जाता है। तो ये क्या होता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं क्लैशेस हो सकता है, मल्टीपल जगह हमने एक ऑब्जर्व किया, हमने हमारे पर्सनल लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व किया, तो इसके लिए हमारे पास ड्यूअल बैंड राउटर पे आजकल आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड बैंडविड्थ अगर पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में 4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे ही आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है, ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन एमएस ऑफिस व्हेन यू हैव टू कंबाइन टू और मोर सेल्स टुगेदर देन व्हिच फंक्शन वुड यू चूज, ठीक है, अगर हमें दो या फिर दो से ज़्यादा सेल को कंबाइन करना होगा तो इनमें से कौन सा फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, स्प्लिट टूल, कंबाइन टूल, मर्ज टूल, ज्वाइनिंग टूल। स्प्लिट टूल तो नहीं होगा, अगर आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो आप कर सकते हो, कंबाइन टूल भी कर सकते हो, ठीक है, ज्वाइनिंग टूल भी कर सकते हो, फिर मर्ज टूल भी, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे पास मर्ज टूल, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हमारे पास में इस तरीके से दो सेल जुड़े हुए, ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको कंबाइन करना होगा तो आप इसको मर्ज टूल का इस्तेमाल करके, ये जो मर्ज सेल का जो है इस्तेमाल कर, जैसे आपको ये फर्स्ट और सेकंड सेल, ठीक है, इसको इस तरीके से करना होगा, तो आप मर्ज करके क्लिक करके इस पर आप मर्ज कर सकते दोनों सेल को, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको यूज़ कीजिएगा आपके डे टू डे लाइफ में। विच कमांड इज़ यूज टू सर्च, ठीक है, ऑल द टेक्स्ट फाइल्स इन योर एनी ड्राइव, ठीक है, अगर इनमें से कौन सी कमांड हम लोग यूज़ करेंगे तो सारे के सारे जो टेक्स्ट फाइल होते गाइस कोई भी ड्राइव के, ठीक है, ड्राइव मतलब हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव के, आपने देखा होगा सी ड्राइव हो गया, ठीक है, डी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव हो गया, एफ ड्राइव हो गया, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपने एक फोल्डर बना के रखा, ठीक है, ये फोल्डर बना के रखा और इस फोल्डर के अंदर आपको जितने भी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, जितनी भी टेक्स्ट फाइल है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही सर्च करनी होगी। अगर आपने मान लिख के रखा कि हमारे पास में रिज्यूम है, ये टेक्स्ट फाइल सर्च करनी होगी और आपके पास मल्टीपल रिज्यूमे होंगे तो सारे रिज्यूमे के जैसे ये भी ओपन हो जाएगा, पीडीएफ भी ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही सर्च करना है, सारे के सारे टेक्स्ट फाइल, तो आप जो है
एस्ट्रिक्स डॉट txt इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो एस्ट्रिक्स लगाते हो आप, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि जो भी फोल्डर के अंदर या फिर ड्राइव के अंदर, ठीक है, जितने भी टेक्स्ट वाली फाइल होंगे, जिसका भी फाइल एक्सटेंशन डॉट txt रहेगा, सारे के सारे सिर्फ उतनी ही फाइल अपीयर होंगी, ठीक है। जैसे अगर आप लोग एस्ट्रिक्स डॉट png अगर आप करते हो, ठीक है, तो जितने भी png वाली फाइल रहेंगे, इमेज रहेंगे, ठीक है, वो सारी आपकी अपीयर होंगी, उसके अलावा कोई नहीं होगी। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर निकल गया ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरीके से इसको जरूर कमांड को ट्राई करिएगा, इट इज़ वेरी यूजफुल बाय द वे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ये थोड़ा आरआरबी के पीओ लेवल का तक का एक क्वेश्चन है, बट जरूर आपको आ सकता है मे बी, तो आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या कह रहा है हमारे पास में, विच शॉर्टकट की यू यूज टू स्विच बिटवीन टैब्स इन गूगल क्रोम। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम में मैं आपको गूगल क्रोम से जुड़े, ठीक है, क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको भी क्वेश्चन कवर करा दूंगा। अगर आपको अलग अलग टैब्स आते हैं आपके पास इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग टैग्स आप यूज़ करते हैं क्रोम के अंदर, ठीक है, तो उसको स्विच करना होगा, तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टैब। अगर एक बार आपने कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की बताई, तो ये फर्स्ट टैब पे, तो आप नेक्स्ट टैब पे चले जाओगे सेकंड। फिर अगर आपने फिर से प्रेस किया, तो थर्ड पे चले जाओगे। फिर से आप प्रेस करोगे, तो फोर्थ पे चले जाओगे। लेकिन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड पे हो, मान लो यहाँ पे हमारा एक्टिव टैब चल रहा है, वर्किंग है, ठीक है, यहाँ से आपको सेकंड पे आना होगा, तो आप कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करोगे क्या, नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे चले जाओगे। आप क्या करोगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करोगे, थर्ड टू सेकंड होगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस टैब का प्रेस किया तो वन टू टू जाएगा, एंड वाइस वर्सा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ दूसरा भी ऑप्शन याद करके जाइएगा, ठीक है। होता क्या है, हम लोग कंट्रोल पर स्टैप पढ़ के जाते हैं, और यहाँ पे पूछा जाता है टू मूव द नेक्स्ट स्टैप, और आपको क्वेश्चन में बनता है हमारा प्रीवियस स्टैप, तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे वही आंसर मार करके आते हैं। इसलिए मेरा ये कहना रहता है, जहाँ पे आपको डिफिकल्टीज रहते हैं, वो आपको मैं पहले ही बताते चलता हूँ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा क्या कह रहे हैं, इन एमएस एक्सेल व्हेन डज हैशटैग NA ऑकर्स, ठीक है। NA का मतलब क्या होता है, नॉट अवेलेबल, या फिर क्या है हमारा, द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू अ फंक्शन और अ फार्मूला, ये इसका मीनिंग होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ऐसा अगर एरर आता है, तो इसका मतलब क्या है, अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू अ फंक्शन और अ फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फुल फॉर्म से लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी बने थे हमारे पास में। DMA का फुल फॉर्म क्या होता है, DMA स्टैंड्स फॉर अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है गाइस, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, डिवाइड, ठीक है, मेमोरी अलोकेशन भी ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ सकता है, डायरेक्ट मेमोरी अलोकेशन मार्क करके आ सकते गाइस, एस्पिरेंट गलतियाँ करते, तो आपको करेक्ट आंसर ध्यान में रखना होगा। DMA का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द मोस्ट कॉमन कीबोर्ड यूजेस द डैश लेआउट। सबसे जो कॉमन कीबोर्ड हम लोग हमारे लैपटॉप पे, पीसीज पे, सेलफोन के अंदर यूज़ करते, तो वो कौन सा कीबोर्ड लेआउट रहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये था हमारा क्वर्टी कीबोर्ड, ठीक है। इसका क्वर्टी नाम किस तरीके से है, आपने देखा होगा जो लेआउट रहता है, यहाँ से सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट की जो है, ठीक है, टॉप लेफ्ट मोस्ट की जो है, यहाँ से की आती है हमारे पास QWERTY, इसलिए इसका नाम गया क्वर्टी कीबोर्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके। इसके बाद में भी अगर जो स्टैंडर्ड हमारे पास में जो फिंगर्स का ये नोटेशन रहता है, तो जो इंडेक्स फिंगर रहता है, लेफ्ट फिंगर का F पे आता है, और यहाँ पे हमारे पास राइट फिंगर का J पे आता है, ठीक है। और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट फिंगर रहता है, ये हमारे पास में सेमी कोलन पे आता है राइट वाला, और लेफ्ट वाला हमारे पास में A पे आता है, ठीक है। इस तरीके से जो पोजीशन होती है गाइस, ये स्टैंडर्ड पोजीशन होती है, जहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो, तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन का सिखाते हो, ठीक है। एंड अगर आपको PC पे देखना भी ना पड़े, तो यहाँ पे एक F, और ये देखिए यहाँ पे जो F लेटर रहता है, और यहाँ पे जो J लेटर रहता है, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा मार्किंग किया रहता है, ठीक है, यहाँ पे बम्प बनाया जाता है, सो दैट आप बिना कीबोर्ड को देखे भी आपका जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ पे लाइक कर सको J के ऊपर। आप जरूर आपके लैपटॉप पे देखिएगा, ऐसा कुछ तो भी बनाया होगा छोटा सा, ओके, क्लियर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, कंप्यूटर प्रोसीजर क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर प्रोसीजर की क्लॉक स्पीड को इसमें मेजर की जाती है, उसका यूनिट क्या है, RPM, DPI, गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज़, GB, ठीक है। आपको बता दूँ GB, गीगाबाइट किसकी यूनिट है मेमोरी का, ठीक है। RPM, अगर RPM आया तो हार्ड डिस्क ड्राइव का, जो हार्ड डिस्क ड्राइव जिसके अंदर मैकेनिकल पार्ट रहता है, उसके पास रिवॉल्यूशन पर मिनट में इसका ये मेजर किया जाता है। DPI मतलब क्या, डॉट पर इंचेस हो गया, जितना DPI ज़्यादा रहेगा उतने आपकी शार्पी मेजर रहेंगे, ठीक है। और आपकी प्रोसेसर की जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है गाइस, ठीक है, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर हो चुका, ओके।
जैसे कि अगर हमारे पास कोर i3 प्रोसेसर है तो 2.3.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है हम लोग कहते हैं। तो व्हाट इज गीगाहर्ट्ज़? इट इज़ अ प्रोसेसर स्पीड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे आपने हर्ट्ज़ देखा होगा, ठीक है, 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, ठीक है, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले लैपटॉप है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये हमारे डिस्प्ले मॉनिटर जो है या फिर हम लोग कहेंगे जो हमारा डिस्प्ले होता है लैपटॉप का, उसका जो रिफ्रेश रेट है तो उसका ये यूनिट होता है। तो सारे आपको मैं कवर करते चलता हूँ, कोई भी क्वेश्चन बनता है आप आसानी से एग्जामिनेशन में मार्क कर सकते हो। ठीक है, पढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी फेलियर इन अ सेंट्रल हब विल ब्रिंग द एंटायर नेटवर्क टू हॉल्ट। अगर सेंट्रल हब हमारा जो है फेल हो जाता है तो सारा का सारा नेटवर्क जो है हमारा क्लैश हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो वो कौन से टोपोलॉजी में होता है? स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यहाँ पे आता है स्टार टोपोलॉजी। अगर ये सेंट्रल हब अगर हमारा डिस्कनेक्ट फेल हो जाता है तो ये सारे के सारे जो कनेक्टेड पेरिफेरल्स है, नोड्स है, इसको हम लोग नोड कहते हैं जनरली, या फिर पीसेस कहते हैं या फिर यूजर्स कहते हैं, तो हमारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन क्या करें? वाईफाई स्टैंड्स फॉर, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी गाइस। ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये होता है हमारे पास वाईफाई राउटर गाइस। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी हमारे पास में एक ड्यूअल मोड में आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, और 5 गीगाहर्ट्ज़, ऐसे अलग अलग मोड्स में हम लोग इसको वाईफाई को ट्रांसमिट कर सकते हैं। रिपीटर का क्या काम रहता है? अगर आपके घर के एक कोई कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पे मान लो वाईफाई लगाया हुआ है और आपको यहाँ तक रीच नहीं आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंट्रली रिपीटर लगाया जाता है जो इससे सिग्नल लेके फिर से रिट्रांसमिट करता है। ठीक है, सो दैट आपके जो नेटवर्क सिग्नल की स्ट्रेंथ है यहाँ पे लास्ट कॉर्नर तक वो भी आपकी अच्छी रह सके। ठीक है, वो रिपीटर का काम करता है जनरली। ठीक है, क्लियर है? वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए वायरलेस फिडिलिटी होता है करके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वाइड फिडिलिटी, वायरलेस फंक्शनलिटी, वाइड फिडिलिटी, वायरलेस फ्रीडम, ऐसा आपको ऑप्शन देके कंफ्यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करें? द एस इन एस एट द एंड ऑफ द HTTPS स्टैंड्स फॉर। ठीक है, ये HTTP के एंड में एस क्या सिग्निफाई करता है? ठीक है, तो ये होता है सिक्योर गाइस। ठीक है, HTTP, ओके, छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, HTTP का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। ठीक है, हालांकि हमारे मुंह में वो हम लोग उसको बता भी सकते हैं, बट HTTP और HTTPS, इसमें एस में क्या फंक्शन रहता है, एक फीचर रहता है कि हमारा सिक्योर रहता है। अब अगर आप कोई भी बैंकिंग की वेबसाइट देखते हो तो आप इस तरीके से लॉक बनाया जाता है। अगर आपके यहाँ पे HTTPS नहीं है तो अवॉइड कीजिएगा उससे ट्रांजेक्शन करना, स्पेशली बैंकिंग के आपको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप नेट बैंकिंग वगैरह ट्रांजेक्शन करते, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ स्टेप्स आपको अवेयरनेस पता होनी चाहिए कि HTTPS जहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है दैट मीन्स दैट साइट इज़ नॉट सिक्योर्ड वन। ठीक है, स्पेशली फॉर द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या कह रहा है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द रिसिपिएंट। ठीक है, इसमें से कौन सी जो फील्ड है ईमेल की जो हाइड करती है हमारी आइडेंटिटी ऑफ द रिसिपिएंट्स, तो वो होता है हमारे पास में BCC। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। अगर आपने यहाँ पे BCC देखा होगा तो BCC के अंदर अगर आप जो भी ईमेल्स डालोगे, ठीक है, ईमेल्स आप सब्स्टिट्यूट करेंगे अलग अलग, ठीक है, पर्सन के, तो एक दूसरे को किया हुआ ईमेल आप दिखाई नहीं देगा। अगर हालांकि अगर हम लोग CC के अंदर प्लेस करते वो सारे ईमेल्स, तो एक दूसरे को पता चलेगा कि पर्सन ए को जो ईमेल आया हुआ है, ठीक है, वो दूसरे पर्सन बी को भी देख सकता है। ठीक है, कि आप इस पर्सन ए को भी ईमेल गया है, दूसरे को भी आया करके इस तरीके से। लेकिन हम लोग BCC के अंदर अगर हम लोग ये ईमेल्स ऐड अप करते हैं तो एक दूसरे को ईमेल की आइडेंटिटी वो हट जाती है। ठीक है, सीसी और बीसीसी का यही सिग्निफिकेंस होता है, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये था गाइस हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के सेशन में कवर करा है। सेशन कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस को अगर आप एक्यूरेटली अटेम्प्ट करना चाहते हो तो अभी भी हमारे पास समय है गाइस। ठीक है, इसको एनरोल करके 2-4 दिनों में सारे 5-10 सेशन जो भी 10-1 सेशन जो हमने डाल के रखे वो सारे कवर कीजिएगा। सारे टॉपिक्स आपके आसानी से निकल जाएंगे और काफ़ी अच्छा आपका स्कोर निकल के आएंगे और सिलेक्शन भी आपका इजीली हो जाता है गाइस। ठीक है, ये काफ़ी सिरे सिलेक्शन को अच्छी तरीके से पाने के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस काफ़ी हमारा रोल प्ले करता है। ठीक है, फोकट के मार्क्स होते हैं, जरूर इसको मिस मत कीजिएगा गाइस। ठीक है, दोनों भी कोर्सेज को हमारे एनरोल कर सकते हो, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सके। नेक्स्ट सेशन के लिए आपको क्या कंटेंट चाहिए मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यूनियन बजट का सेशन यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक करके, रिसेंट सेशन करंट अफेयर्स का यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐप को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। टेलीग्राम से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट हम लोग टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे, मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में।